संगीता जी, आप तो राखी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, हस्ती खेलती राखी का ये जो हाल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसका हाल ये हुआ है तभी तो हम सब सामने आए हैं। अगर राखी वैसी हस्ती खेलती, चुलबुली टाइप के नटखट रहती, तो शायद हम कभी, आपको पता ही नहीं चलता कि हम सब पुराने दोस्त थे और हम एक दूसरे के लिए खड़े। फिर तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता, बट इस वक्त राखी को उसके सारे अपनों की ज़रूरत और हमेशा उसके साथ। जैसे कि राखी की एक शादी ऑलरेडी टूट चुकी थी, राखी ने वापस किसी का हाथ थामा और वापस उनके साथ वही सब हुआ, लेकिन इस बार कुछ सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिखाई दे रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इस शादी से स्पेसिफिकली हम सबको बहुत उम्मीद थी, बिकॉज राखी बेहद खुश थी और उसका वो इतने खुश थे, हम सब ने देखा ही है, हर दो मिनट में कुछ 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 आता रहता था, शी वाज जस्ट हैप्पी। और इस शादी से उसका जो दिल टूटा है, ठीक है शादी वर्कआउट नहीं होती, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, अगर ठीक होता है तो साथ में रहते या अलग हो जाते, बट इतना सब मैस होना, इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स करना, कितनी सारी शादियाँ कर लेना, ये सारी चीज़ें एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है यार। राखी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, एक लड़की को अगर इतनी सारी चीज़ें अपने पति के अगेंस्ट पता चलती है तो डेफिनेटली वो तो अंदर से टूट ही जाती है। इस वक्त उसको समझ में नहीं आया, उसने अपने ज़िंदगी के दो ऐसे व्यक्ति खो दिए हैं, एक तो उसकी माँ जिसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, दूसरा अपना हस्बैंड जिस पे आप मतलब आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हो, दुनिया से सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है पति पत्नी का, ये दोनों उसके पास नहीं है। तो हम सब समझ सकते हैं उसकी स्थिति इस वक्त बेहद पेनफुल है, टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। जैसा कि राखी कह रही हैं कि वो पिछले 6-7 महीने से ये सब सह रही थी, तो आपको क्या लगता है, क्या राखी ने ये सही किया? मैं कहूँगी 6-7 महीने से वो सह रही थी, ये बिल्कुल सही बात है, और उसने हम सबसे भी छुपाए रखा, अगर शायद नहीं बताती तो और भी ज़्यादा चीज़ें बिखर जाती, उसने बहुत लेट कर दिया, उसको बहुत जल्दी बता देना चाहिए था। बट अगेन एक लड़की है और हिंदुस्तानी लड़की, वो अपने रिश्ते को संजोग के रखना चाह रही थी, वो अपने रिश्ते को 4 लोगों के बाहर नहीं आना चाह रही थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको वो हिडन रखने थे, उसको लगा कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएगी। बहुत मर्तबा उसने माफ़ियाँ मांगी है, उसने वापस आया है, इसने कितनी बार उसको माफ़ किया है, बट देर आए दुरुस्त आए, राखी ने अब ये सामने लाया है तो हम सबको पता चला है कि वो सच अ पेनफुल ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी, फिर भी राखी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, और अब इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया है यार कि अब तो उसको बाहर आना ही था, एंड थैंकफुल टू हर कि एटलीस्ट इस वक्त तो वो बाहर आके उसने ये सारी चीज़ें पता करवाई, पता चली, राखी को वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लोग अपने आप उसके पास आए। राखी सावंत एक बड़ा ब्रांड है, हम सब जानते हैं, आप मानो चाहे ना मानो, तो उसको तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें नहीं सहनी चाहिए यार, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा मिसाल है। राखी को देख के लोग उसकी ज़िंदगी को देख के फॉलो करते हैं, अपने आप में वो चीज़ें लाते हैं। आई एम थैंकफुल टू राखी कि उसने ये सारी चीज़ें हम सब तक आने। क्या आपसे राखी ने कभी आदिल को मिलवाया? सी बहुत बार हम लोग बैक रोड पे मिले हैं, दुआ सलाम किए हैं, हेलो हाय किया है, और वो सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं। मैंने कभी उनके साथ, आदिल के साथ पर्सनल इंट्रैक्शन मेरा कभी भी नहीं हुआ। आई वॉज हैप्पी बाई सेइंग दिस दैट राखी इज़ वेरी हैप्पी विथ हिम, और उतना हम सबके लिए काफ़ी होता है यार, फैमिली भी यही देखती है, दोस्त भी यही देखते हैं, आपके जान पहचान वाले भी यही देखते हैं कि अरे आपका बंदा खुश है ना उसके साथ, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी आ जाती है, लोग भूल जाते हैं। तो हम भी उसी सिचुएशन में थे कि शी इज़ हैप्पी, वी आर हैप्पी, हमें नहीं पता था कि इसका नतीजा ऐसा होगा। आई स्वेयर, थैंक यू सो मच। ए यार तुम लोग अपना बैग हटा लो यार, उनके गेस्ट हट जा रहे हैं, ये किसके किसके बैग है, प्लीज़ हटा लो यार।